सेक्टर 8 में, सेक्टर 8 हम आ चुके हैं दोस्तों। देख सकते हैं ये कंपनी आपको दिख भी रहा होगा बहुत पहले से भी, कहीं भी आप रहते हो तो ये कंपनी सब दिखता ही होगा। और वो रही VVDN कंपनी, देखिए VVDN कंपनी है ना, ये VVDN कंपनी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नई ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारे रूम से लेके और आपको सेक्टर 8 तक होगी, क्योंकि ये दूसरा रूट है दोस्तों जो कि बहुत ख़राब है दोस्तों। जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना दोस्तों, वहाँ चौक है और चौक से चले जाएंगे। हर रोज़ मैं उसी रोड से जाते थे, लेकिन ये वो वाला रोड है जहाँ पे दोस्तों खाटू श्याम रास्ते में पड़ता है और खाटू श्याम मंदिर से आगे है, सेक्टर 8 पड़ जाता है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों VVDN कंपनी सब है उधर पड़ जाता है। तो आपको हम जरा बाइक कैमरा दिखाने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा हमारे साथ बने रहिएगा। देख सकते हैं आज का ब्लॉग मेरा यहीं से स्टार्ट हो रहा है अपने रूम से ही, और मैं अभी जस्ट निकला हूँ ड्यूटी के लिए। देख सकते हैं आपको जरा बाइक कैमरा दिखाने का प्रयास करता हूँ। और देखिए दोस्तों ये जो है, अभी हम इधर से आए हैं और वो रही भांगड़वाला चौक, और चौक से दोस्तों हम उधर चले जाते थे, लेकिन आज हम इधर से लेके ये रही चौक, और आज हम उधर नहीं, आज हम इधर से जाएंगे। बस आ रही है ना, ये जाए कहाँ पे, ये कंपनी की बस है दोस्तों, धूत कंपनी जा रही है, धूत सेक्टर 8 के लिए, धूत कंपनी ट्रांसमिशनर इसमें हम काम कर चुके हैं, देख सकते हैं। तो हम दोस्तों बिना देरी के हुए चलते हैं यहाँ से। तो देख सकते हैं ये बस है धूत वाली, धूत कंपनी के लिए जिसमें बस की सुविधा है, जो कि भांगड़वाला चौक से ही निकलती है दोस्तों, खुलती है। धूत कंपनी की दोस्तों गाड़ी था वो, बस की सुविधा है उसमें हम दोस्तों। सो दोस्तों हम चल दिए हैं कंपनी की ओर। दोस्तों ये जो रोड है ना दोस्तों, ये दूसरा रोड है जिसे आप हम बता दिए ना, जिसे हम पहले जाते थे ना हर रोज की तरह, वो रोड हमने आज छोड़ दिए हैं। और ये रोड हम, ये दूसरी रोड है दोस्तों, ये डायरेक्ट आपको ले चले जाएंगे सेक्टर 8। और पहले वाले रोड दोस्तों हम जाते थे तो वो चले जाते थे सेक्टर 7, और अभी जो हम फिलहाल जा रहे हैं इस रोड में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा खाटू श्याम जी का मंदिर है दोस्तों भांगरोला में, तो वही आपको हम उधर से ही ले चलते हैं। हालांकि दोस्तों अभी हम खाटू श्याम जी का दर्शन नहीं करवाएंगे, आपको हम दिखाएंगे कि उस गेट तक तो जरूर ले जाएंगे जो कि रोड में ही पड़ता है ना, क्योंकि हम लोग को टाइम उतना नहीं रहता है ना, इसीलिए आपको हम जरा टाइम निकालेंगे फिर आपको दोबारा दर्शन करवाएंगे खाटू श्याम मंदिर जाके। तो दोस्तों अभी हम देख सकते चल दिए साइकिल से ही, और कई सारे लड़के जा रहे हैं कंपनी को, अभी मॉर्निंग का टाइम है फिलहाल। और रोड की बात करें दोस्तों तो रोड कुछ जो है सही हुआ है, और अभी नहीं हुआ है, देख सकते हैं रोड का हालात अभी कैसा है दोस्तों, तो पूरी तरह से पूरा अभी मरम्मत नहीं हुआ है, नहीं बना है। और ये जो बस हमारे सामने गई है ना अभी, ये धूत वाली कंपनी की बस है दोस्तों, ये भी सेक्टर 8 में है, धूत ट्रांसमिशन, जिसमें दोस्तों आपको बताया दिन हम एक दिन काम कर चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में मोबाइल है ना, और सारे लोग जो है देख रहे हैं हमें ही, हम क्या कर सकते हैं, देखना है तो देखने दो, देखने वाले तो ऐसे ही देखता रहेगा तो इसमें हम क्या करेंगे। सो दोस्तों अभी हम देख सकते हैं ना खाटू श्याम मंदिर के पास हम पहुंचने वाले हैं, देखिए चलिए आपको हम जरा दिखाते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। और ये सामने जो कंपनी दिख रहा है ना, ये है सेक्टर 8 में पड़ता है, देख सकते हैं थोड़ा पानी भी है, थोड़ा समझ के चलना पड़ता है दोस्तों। तो देख सकते हैं आपको जरा जून का दिखा देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं, और यहाँ से आपको हम जरा खाटू श्याम मंदिर आपको गेट दोस्तों हम दर्शन करवाने का प्रयास करते हैं, देख सकते हैं इधर यहाँ पे, देखिए ये रही खाटू श्याम जी का मंदिर का मेन गेट दोस्तों यहीं पे है, यहाँ से थोड़ा दूरी पे अंदर में मंदिर है, थोड़ा यहाँ से टाइम लगता है जाने में, ज़्यादा नहीं बस दो मिनट लगता है दोस्तों, थोड़ा अंदर है। फाइनली देख सकते हैं बहुत चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं कैसी लगी जान कंपनी के पास, देख सकते हैं जैसा कि ब्लॉग दोस्तों हम कल लाए थे, तो कैसा लगा दोस्तों ये ब्लॉग, ये हमारे बहुत दिन के बाद दोस्तों ये बनाए थे ब्लॉग, जो कि भांगड़वाला का दूसरा रूट था दोस्तों ये। और मैं अभी आप बैक कवर दिखाने का प्रयास करता हूँ, और यहाँ पे कुछ बड़े बड़े दोस्तों कंपनी भी है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, देख सकते हैं आपको ज़्यादा दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए सेक्टर 8 में, सेक्टर 8 हम आ चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये कंपनी आपको दिख भी रहा होगा बहुत पहले से भी,
कहीं भी आप रहते हो तो ये कंपनी सब दिखता ही होगा। और वो रही BBDN कंपनी, देखिए BBDN कंपनी है ना, ये BBDN कंपनी है। सो फाइनली दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी ब्लॉग? अगर दोस्तों ब्लॉग अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही मानस इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसा ही इंटरेस्टिंग न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।